तो अक्सर लोगों का सवाल होता है कि यार लंदन तो घूम लिया, अब डे ट्रिप के लिए कहाँ जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे दो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे जो कि लंदन से लगभग 2 से 2.5 घंटे की दूरी पे है। उनका नाम है स्टोनहेंज और बाथ। तो इसका बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब है ग्लोबल सिग्निफिकेंस है, इनकी वैल्यू है। और इनफैक्ट स्टोनहेंज तो मिडिवल वर्ल्ड के 7 वंडर्स में भी आता है, वन ऑफ द 7 वंडर्स। हम लोग रेडी हो गए हैं, बस अब हम निकल रहे हैं। बहुत एंजॉय होने वाला है आज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। तो ये गाड़ी हमने रेंट करी है, तो यहाँ पे रेंट करना गाड़ी काफी इजी है। और अगर आप यूके में आए हैं तो आप इंडियन लाइसेंस पे भी गाड़ी रेंट कर सकते हैं फर्स्ट 12 मंथ्स के लिए। और इस कार को रेंट करने के लिए हमें लगे 90 पाउंड्स। तो यहाँ पे ना सर्विसेज होती है, जैसे इंडिया में होता है रोड साइड ढाबा होता है, ढाबा नहीं होते यहाँ पे, सर्विसेज कहते हैं उसको। और यहाँ पे उसमें रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, तो आप यहाँ पे रुक के थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा खाना पीना खा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉस्टा है, बर्गर किंग है, तो इस तरह की चीजें हैं आसपास। वेलकम टू द सिटी ऑफ बाथ। इट इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। तो आप सोच ही सकते हैं कि इसको कितना मतलब इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री में। बट इसको बाथ क्यों बोलते हैं? बाथ इसको बाथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे रोमन बाथ्स हैं, और जो कि मतलब 2000 साल पहले के बने हुए हैं। जब मतलब रोमन रूल था यहाँ पे, तब वो लोग मतलब यहाँ पे नहाते, पब्लिक बेदिंग के लिए रोमन बाथ्स बनाए गए थे। और वो इकलौता हॉट स्प्रिंग है ब्रिटेन। जिनको नहीं पता हॉट स्प्रिंग क्या होता है, उनको बता दूँ कि हॉट स्प्रिंग का मतलब है जहाँ से नेचुरली हॉट वाटर निकलता है, मतलब गर्म पानी निकलता है नेचुरली। तो इकलौता हॉट स्प्रिंग है ये ब्रिटेन का, रोमन बाथ्स। तो आज हम वो देखेंगे। तो हम भी नहाएंगे क्या वहाँ जाके? नहीं, ऐसे नहा नहीं सकते वहाँ पे। वो पहले ही नहाते थे लोग, अब नहीं नहा सकते। नहाने वाला जो है वो थोड़ा अलग है, और ना मेरे ख्याल से वहाँ पे बच्चे अलाउड नहीं होंगे गर्म पानी की वजह से। तो हमारा पर्पज़ है आज वो देखना, इतनी इंपॉर्टेंट साइट हिस्टोरिकल, और आपको भी दिखाना। सिटी बड़ी सही लग रही है, मतलब हिल के ऊपर है एंड काफी ब्यूटीफुल लग रही है, सुंदर सी है, और मतलब मिडिवल पीरियड वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे आके। ये है यॉर्क स्ट्रीट, और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं। से आज बड़ी गर्मी है, तो ये देखिए आइसक्रीम पार्लर के बाहर कितनी लंबी लाइन है। आज का कितना टेम्परेचर है भाई? बट मज़ा तभी आता है जब थोड़ी धूप निकली हो ना। मज़ा तो आता है, लेकिन मतलब आज थोड़ा ज़्यादा ही हीट वेव वाला माहौल है, 30 डिग्रीज प्लस है मौसम आज। बेसिकली यहाँ पे एक रोमन टेम्पल भी एग्जिस्ट करता था, जो कि नाम है जिसका मिनर्वा। उसके आज की डेट में तो सिर्फ रूइंस ही देखने को मिल सकते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे अभी। एकदम ऐसा लग रहा है किसी मिडिवल एरा में आ गए हैं। वो एंट्री है सामने रोमन बाथ की, अब हम लोग लगे हैं लाइन में। तो हम कर गए हैं एंटर रोमन बाथ्स में, और यहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है, और महीने के हिसाब से टिकट चेंज होती रहती है। अगस्त मंथ की है 27.5 पाउंड की एक बंदे की, तो हमने 2 ली हैं। 6 साल से छोटे बच्चे के लिए फ्री है टिकट। टिकट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव दो, और अगर आप ठंडे मंथ में आते हैं, दिसंबर के आसपास आते हैं, तो 20 पाउंड में भी ये टिकट मिल सकती है आपको। इतना बड़ा डोम है यहाँ पे, और वो है टिकट काउंटर्स। हमने ऑनलाइन बुक कर ली थी, बाकी आप शायद यहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से ऐसे ये ऑडियो के लिए भी मिलते हैं। बेसिकली इस पे सुन के आप पूरी हिस्ट्री जान सकते हैं। कियान का थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ इसको फुल डिटेल जाननी है वो इसके थ्रू जान सकता है। ये है पुष्यर पार्किंग, जहाँ पे सबने पुष्यर पार्क करी हुई है। अंदर ले जाने की जगह यहाँ पे छोड़ा जा सकता है।
वन ऑफ द यूरोप के बेस्ट प्रिजर्व एंशियंट साइट्स हैं और 300 साल से यहाँ पे खुदाई और एक्सकवेशन चल रहा है कि इन चीज़ों को ढूंढने के लिए और पता करने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या है और हिस्ट्री को और एक्सप्लोर करने के लिए। तो यह है पहला व्यू। मतलब सही में बिल्कुल तभी का ही प्रिजर्व लग रहा है, कुछ ऐसा चेंज या मॉडर्नाइजेशन नहीं की गई है इसकी। और बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि हाँ उस टाइम पे शायद थोड़ा क्लीन ज़्यादा होता होगा, इतना क्लीन नहीं है, लेकिन लग ऐसे रहा है कि पुराने टाइम का ही है ना। एकदम ही अलग अलग रोमन एम्प्रेस के यहाँ पे स्टैचू लगे हुए हैं, उसी की डिटेल्स लिखी हुई है उस बोर्ड पे। ये है हमारे दोस्त चिन्नम एंड अजय। हाय। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आज? ठीक है। अच्छी टाइम का लग रहा है मेरे को एक्चुअली, इसीलिए इतना पुराना है। ये है टेंपल का मिनिएचर। तो लोग रोमन बाथ्स में नहाने, हील होने, बेसिकली इसका पानी इतना मिनरल से एनरिच माना जाता है कि वो उसमें हीलिंग करने की शक्तियाँ हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो उसके आते थे और यहाँ पर इवन प्रेयर करने टेंपल मिनर्वा में, जिसका मिनिएचर मैंने अभी अभी आपको दिखाया। ये है बाथ हाउस जहाँ पे अभी हम होकर आए हैं, ओपन वाला। यहाँ पे बेसिकली ये पूल था और बहुत लोग नहाते थे उस टाइम पर यहाँ पर आकर। वो पीछे टेम्पल है, फ्रंट ऑफ टेम्पल। प्लीज़ टच लिखा है, मैंने पहली बार देख ली कि प्लीज़ टच लिखा है यहाँ पे, नहीं तो यूजुअली प्लीज़ डू नॉट टच होता है। और ये टेम्पल पेडिमेंट का हेड है, ये बेसिकली ऐसा लगता था। एंशियंट टाइम्स में 17,000 से भी ज़्यादा रोमन सिल्वर कॉइन्स ब्यू स्ट्रीट पे पाए गए थे, जो कि 8 लेदर बैग्स में थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल भी रखा हुआ है, बेसिकली रेप्लिका है, और शीशे के अंदर वो वाले ओरिजिनल कॉइन्स रखे हुए हैं। We are entering into the temple courtyard. अलग ही लुक एंड फील ना रखी है इसकी तो, मतलब सारा प्रिजर्व कर रखा है इन्होंने, पहले का ही है। ये लग रहा है पता है कि ये पुरानी, मतलब इन्होंने प्रिजर्व कर रखी है, क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग सी स्मेल भी आ रही है, ऐसे रितिन बोल भी रहा है। हाँ, अलग सी स्मेल आ रही है और मतलब जो जहाँ है वो वही है। पत्थर देख सकते हैं नीचे भी, तो ये पहले का ही है सारा हिसाब किताब, जो भी बचा था इन्होंने उसको प्रिजर्व करके रखा है। यूरोप से ये चीज़ तो सीखने वाली है, यूके और यूरोप से, कि कुछ भी पुराना हो उसको प्रिजर्व ज़रूर करो और उसका म्यूज़ियम बनाओ और उसको डिस्प्ले पे लगा दो। इतने ही लाखों विजिटर्स यहाँ पे आते हैं समर्स में। ये किसी गॉडेस का स्टैचू भी लग रहा है यहाँ पे, सब लगा रखे। सैंपल भी टच करो भाई। तो आगे यहाँ पे आने वाले हैं सेक्रेट स्प्रिंग्स, यही वो जगह है जहाँ से एकदम से ऐसे हॉट वाटर निकलने लग गया था और इसको काफ़ी डिवाइन माना जाता है और ये सोर्स हिडन है तो पता भी नहीं है कि कहाँ से आ रहा है। ये स्प्रिंग से निकले हैं सारे पॉइंट्स यहाँ पर, ऐसे खींच खींच के बनाया था इन्होंने टेम्पल, जो जिसकी अब हालत हो चुकी है। लोगों ने साइंस पढ़ी है उनको पता है कि जितने आप पुली के लीवर्स बढ़ाते जाओगे उतना फोर्स है वो कम लगाना पड़ेगा आपको। तो यहाँ सिंगल पुली है, तो ये हैवी है, यहाँ डबल पुली है तो सेम स्टोन बड़ी इजीली खींच के। और यहाँ ये अंदर से भी इसका व्यू आ रहा है, जो डोर है यहीं से पहले रास्ता था जाने का बाथ में, अब नीचे आ गए हैं। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये वही हॉट वाटर है और यहाँ लिखा है कि अगर पहले ये माना जाता था अगर आप इस वाटर से क्योर नहीं हो सकते तो आप किसी चीज़ से क्योर नहीं हो सकते। अच्छा जी, तो गर्म पानी आ रहा है इसमें, काफ़ी मान्यता थी एक टाइम पे। ये है बाथ एबी। क्या होता है भाई बाथ एबी? ये चर्च है बेसिकली, यहाँ की प्रेयर करने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं और इसकी एंट्री फ्री है। तो सबसे ओल्ड चर्च है यहाँ पे, बहुत ही पुराना है और बहुत ही खूबसूरत है।
इस विंडो पे पूरी स्टोरी पेंट की हुई है कि जीसस कैसे बॉर्न हुए थे। हर एक पे कुछ ना कुछ पिक्चर बनी हुई है। तो ये है पुल्टनी ब्रिज और ये भी यहाँ का फेमस ब्रिज है। तो अगर आप बात आते हैं डे ट्रिप पे, ये तीनों अट्रैक्शंस आसपास हैं, ये ब्रिज, बाथ एबी यानी कि जो चर्च दिखाई है आपको, और रोमन बाथ्स। तो ये सारे अट्रैक्शंस आसपास हैं और एटलीस्ट आप ये तीनों जगह तो कवर कर ही सकते हैं। और बोटिंग टूर्स भी हो रहे हैं अगर किसी को इंटरेस्ट है बोटिंग टूर लेने का। अब हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ और वहां से हम निकलेंगे स्टोनहेंज। वैसे टाइम खत्म हो चुका है स्टोनहेंज देखने का, हम लेकिन एक अल्टरनेट रूट से आए हैं जो कि यहाँ का फ्री व्यू पॉइंट में आता है। और हमें लगा था कि शायद हम ही इतने वो है कि हम यहाँ से आ रहे हैं और लोग जाते होंगे, बट यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ देख के अच्छा लग रहा है कि कई सारे लोग हैं जो इस फ्री व्यू पॉइंट पे आते हैं बजाय कि हाँ, तो अभी टाइम करके देखने में। हाँ, तो अभी टाइम है 8:15 बज चुके हैं और सब बंद हो चुका है, और लेकिन हमने कच्चे रास्ते में गाड़ी डाल के हम यहाँ पे पहुंचे हैं। सारे आसपास खेत ही खेत है यहाँ पे, खेत खलियान में दिखाता हूँ, बिल्कुल ओपन स्पेस है, जबरदस्त है मतलब व्यू। और वो सनसेट हो चुका है वहाँ पे और हम स्टोनहेंज पहुँचने वाले हैं। भाई स्टोनहेंज में क्या स्पेशल है? यहाँ पे स्टोन्स रखे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स हैं, इनका बहुत हैवी वेट है, लेकिन किसी को आज तक ये नहीं पता है, इसके बारे में पूरी मिस्ट्री है कि ये स्टोन्स आए कहाँ से यहाँ पे, किसी को नहीं पता, क्योंकि ये बहुत पुराने मतलब कई हजारों सालों पहले के यहाँ पर रखे हुए हैं, बट किसी को ये नहीं पता। ये मतलब इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं, तो लेकिन ये नहीं पता कि एक्चुअली में कैसे आए यहाँ पे। हाँ, एंशिएंट टाइम के यहाँ पे पड़े हुए हैं। लेकिन और एक बड़ी इंटरेस्टिंग थिंग इस जगह के बारे में कि ये विंडो एक्सपी का वॉलपेपर हुआ करता था बाय डिफॉल्ट, और आज हम उस उसी को देखने जा रहे हैं कि कितना इंटरेस्टिंग चीज है ये। तो देखिए दिखने लग गया है, हेरिटेज साइट और वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में भी आता है। वैसे टिकट जो 20 pounds है जहाँ तक मेरे को याद है, तो उसके कंपैरिजन में फ्री व्यू तो बहुत ही अच्छा है। हाँ बिल्कुल सामने ही है यार, मतलब ऐसा कोई दूर नहीं है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।